लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश। आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों 27-28 तारीख को आने में बहुत कम समय बचा है और इसी दिन होने वाली IPL की नीलामी। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब दोस्तों CSK की टीम किन किन खिलाड़ियों पर बिडिंग करने वाली है, किन किन पर ये हॉट पिक्स करेंगी, साथ ही दोस्तों इनकी किस तरह की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 हो जाएगी इस नीलामी के बाद, मतलब किस तरह की ड्रीम 11 का ये सपना CSK की टीम देख रही है अलग अलग खिलाड़ियों को खरीद कर, और किन किन खिलाड़ियों पर दोस्तों ये करोड़ों रुपए जो है वो ढोलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फॉरेन के खिलाड़ियों की, मतलब विदेशी खिलाड़ियों की जिन पर ये बिडिंग करने वाली है। तो कुल 8 फॉरेन के बल्लेबाज हैं जिन पर दोस्तों ये शॉर्टलिस्टेड है, जिन पर ये बिडिंग कंफर्म्ड करेंगी, जिनके नाम है दोस्तों सैम बिलिंग्स, एरन फिंच, लैंडन सिमंस, क्विंटन डीकॉक, बेन स्टोक्स, केन विलियमसन, बेन कटिंग और क्रिस लिन। इन 8 खिलाड़ियों पर दोस्तों कंफर्म्ड बिडिंग होने वाली है CSK की तरफ से। बिडिंग मतलब कंफर्म बोली लगाएगी CSK की टीम। हालांकि सभी 8 खिलाड़ियों को तो ये खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन 4 या 5 खिलाड़ियों का टारगेट सेट है। ये 4 या 5 खिलाड़ियों को इन 8 खिलाड़ियों के लिस्ट में से जरूर अपनी टीम में दोस्तों खरीदने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये बेन स्टोक, इस लिस्ट में जो बेन स्टोक है उन पर दोस्तों फुल ऑन बिडिंग करने वाले हैं, मतलब स्टोक पर दोस्तों ये लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बल्लेबाज फॉरेन बल्लेबाज में स्टोक इनकी हॉट पिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन बॉलर्स की, मतलब कि विदेशी गेंदबाजों की। दोस्तों कुल 5 फॉरेन के गेंदबाज हैं जिन पर ये कंफर्म्ड बिडिंग करने वाले हैं। हालांकि इसमें और नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क, राशिद खान, टिम साउथी, एडम जेम्पा और इमरान ताहिर, इन पर ये कंफर्म्ड बिडिंग करेंगे, मतलब जरूर इन पर जो है वो बोली लगाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों राशिद खान पर RTM कार्ड का इस्तेमाल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम करना भी कंफर्म्ड है, लेकिन मिचेल स्टार्क पर दोस्तों ये फुल ऑन बिडिंग करने वाले हैं, मतलब मिचेल स्टार्क पर ये 10, 12 या 15 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे भी लुटा सकते हैं, और इमरान ताहिर पर भी अच्छी खासी बिडिंग CSK की टीम कर सकती है। दोस्तों इन 5 खिलाड़ियों में से इनका टारगेट 1 या 2 खिलाड़ियों को लेना बहुत है, मतलब कि ये चाहते हैं कि 1 या 2 खिलाड़ियों को ये अपनी टीम में लें। इस तरह से दोस्तों ये जो 13 विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट मैंने आपको बताई अभी, उसमें से ये 6 या 7 ओवरसीज विदेशी खिलाड़ियों को ज़रूर अपनी टीम में खरीदने की कोशिश करेंगे, खरीदना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों पूरे 13 को आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी टीमें और वहां पर मौजूद रहेगी बिडिंग और बोली लगाने के लिए। अब बात करते हैं भारतीय खिलाड़ियों की, किन किन भारतीय खिलाड़ियों पर दोस्तों शॉर्टलिस्ट है कंफर्म्ड बिडिंग के लिए। तो दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, KL राहुल, युवराज सिंह और संजू सैमसन, इन दोस्तों इन बल्लेबाजों पर गारंटेड बिडिंग होगी इन 6 बल्लेबाजों पर CSK की तरफ से। गौतम गंभीर पर दोस्तों ये हॉट पिक रहने वाले, मतलब गौतम गंभीर पर ये करीब 15 से 20 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। या दोस्तों ये जो 6 भारतीय बल्लेबाज हैं इनमें इनकी कोशिश रहेगी 2, 3 या 4 बल्लेबाज को कंफर्म अपनी टीम में जो है वो खरीद लें। अब बात करते हैं दोस्तों गेंदबाजों की, भारतीय गेंदबाजों की, तो रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, उमेश यादव, जयदेव उनटकट, मोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर, इन 6 खिलाड़ियों पर ये कंफर्म बिडिंग करने वाले हैं, कंफर्म पैसा लगाने वाली है CSK की टीम, जिसमें रविचंद्रन अश्विन पर 125% तय है दोस्तों कि ये टीम करीब 15 करोड़ या 20 करोड़ रुपए तक लगाने के लिए तैयार होने वाली है, और इनकी हॉट पिक दोस्तों रविचंद्रन अश्विन रहने वाले हैं। तो इन 6 गेंदबाजों में से 2 या 3 खिलाड़ियों को ये जरूर लेंगे। इस तरह से ये 12 भारतीय खिलाड़ी हैं, इनमें से 4 या 5 या 6 खिलाड़ियों को ये जरूर अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों CSK की टीम ने 3 खिलाड़ियों को पहले ही रिटेन कर लिया है, धोनी, रैना, जडेजा। ये 2 RTM कार्ड जिन खिलाड़ियों पर इस्तेमाल करेंगे वो होंगे फाफ डुप्लेसिस और ड्वेन ब्रावो। इस तरह से दोस्तों इनकी जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 रहने वाली है, ड्रीम प्लेइंग 11 भी जिसे हम कहते हैं, वो होंगे दोस्तों गौतम गंभीर और फाफ डुप्लेसिस करेंगे ओपनिंग CSK की। 3 नंबर पर दोस्तों KL राहुल उतरते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर सुरेश रैना, जिन्हें इन्होंने रिटेन किया है। नंबर 5 पर बेन स्टोक, जिन पर ये फुल ऑन बिडिंग करने वाले हैं। नंबर 6 पर दोस्तों कप्तानी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 7 पर दोस्तों ड्वेन ब्रावो, जिन पर दोस्तों ये RTM कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, जो कि रिटेन्ड है। नंबर 9 पर दोस्तों रविचंद्रन अश्विन, जिन पर ये कंफर्म्ड बिडिंग करने वाले हैं, फुल ऑन बिडिंग करने वाले हैं। नंबर 10 पर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि एक अनकैप्ड खिलाड़ी का होना टीम में जरूरी है। और नंबर 11 पर मिचेल स्टार्क उतरेंगे, जिन पर भी ये फुल ऑन बिडिंग करने वाले हैं। तो ये ड्रीम 11 की तरफ देख रही है CSK की टीम, इस तरह की प्लेइंग 11 चाहती है IPL 2018 के दौरान। हालांकि दोस्तों ये पूरा संभव हो भी सकता
सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी 60 टीमें भी ऑक्शन टेबल पर मौजूद रहेंगी, लेकिन 60-70 या 80% तक इसी तरह की CSK की टीम आपको देखने के मिलेगी IPL 2018 के दौरान। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो दूसरी टीमों के लिए भी पाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको कोई चेंज रखता है प्लेइंग 11 में CSK के, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहां हम चैनल से जुड़ी हुई अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं।